विच रेजोल्यूशन इज बेस्ट फॉर यूट्यूब वीडियोज? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम जो यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करते हैं उसका रिकमेंडेड रेजोल्यूशन कौन सा है या फिर बेस्ट रेजोल्यूशन कौन सा है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो 1080 पे जो रेजोल्यूशन है दैट इज गुड, लेकिन 4K इज बेटर। आप एक बार इस वीडियो को एंड तक देखो, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ जिससे आपकी वीडियो इन्हांस हो सकती है और आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो सकता है। तो साइड में आप देख सकते हो, ये है 4K रेजोल्यूशन और ये है फुल HD रेजोल्यूशन। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फुल HD के डबल है 4K का रेजोल्यूशन। तो ऑब्वियसली इसका जो डिटेलिंग है वो फुल HD से बेटर ही होगा। और इतना ही नहीं, जब आप वीडियो को क्रॉप करोगे तो भी उसकी डिटेल जो है मिसिंग नहीं होगी। लेकिन इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ और आप डिसाइड कर सकोगे कि आपको एग्जैक्टली कौन से रेजोल्यूशन पे वीडियो शूट करना चाहिए। तो 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट करने का एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इसको स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि आपने देखा है इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका फाइल का साइज जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम डेफिनेटली होता ही है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप वीडियो एडिटिंग करते हो, चाहे आपके मोबाइल से करो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से, अगर आपके डिवाइस के जो स्पेसिफिकेशंस है वो अच्छे नहीं हो, आपका सिस्टम पावरफुल नहीं होगा, तो वीडियो एडिटिंग में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। जैसे कि जब आप वीडियो एडिट करते हो तो वीडियो का प्लेबैक जो है वो आपको स्मूथ नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो वीडियो जो है आपका लैग हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप वीडियो को रेंडर करोगे या फिर एक्सपोर्ट करोगे उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप ही सोचो, अगर आपको 4K वीडियो शूट करना है तो डेफिनेटली आपको सिस्टम अच्छा लगेगा तो उसके लिए अलग से खर्चा, 4K वीडियो शूट करना है तो उसके लिए अच्छा मोबाइल या फिर अच्छा DSLR होना चाहिए, उसके लिए अलग से खर्चा। ये तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है ही, लेकिन इसके साथ आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप खुद ही सोचो या फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, कितने परसेंट लोग हैं जो 4K वीडियोस देखते हैं अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पर, कोई कोई लोग टीवी पर भी देखते हैं, लेकिन कितने परसेंट लोग जो है 4K वीडियोस देखते हैं? मेरे हिसाब से 80% लोग जो है 4K वीडियोस देखते ही नहीं है। तो आप ही बताओ, जब आप 4K वीडियो शूट करोगे, उसको एडिट करोगे, इतने सारे झंझट करने के बाद, इतने सारे एफर्ट्स लेने के बाद उसे कोई देख ही नहीं रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा? तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं रिकमेंड करता हूँ 1080p रेजोल्यूशन, मतलब फुल HD जो वीडियो है वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही रिकमेंड किया था। तो उसके पीछे का यही रीज़न था। आपके माइंड में तो आप क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन से रेजोल्यूशन में वीडियो शूट करना है। आपके पास अच्छा सिस्टम है, अच्छा कैमरा है, तो डेफिनेटली आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको तो एक आइडिया आ गया होगा कि आपको कौन से रेजोल्यूशन पर वीडियो जो है शूट करनी चाहिए। तो आप आते हैं प्रो टिप के ऊपर। तो आपको क्या करना है, जब भी आप वीडियो शूट करते हो उसे फुल HD पर ही शूट करना है, और एडिटिंग भी ऑब्वियसली फिर आप फुल HD पर ही करोगे, जो 1080 पे हमारा रेजोल्यूशन है उसके ऊपर ही एडिटिंग भी करनी है। लेकिन जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो तो 4K के ऊपर आपको एक्सपोर्ट करना है। तो इससे होगा क्या, आपका वीडियो भी इनहांस होगा और साथ ही में 4K वीडियो देखने का किन लोगों को शौक रहता है तो वो 4K में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।